अज की इस वीडियो के आप गल आस्ट्रेलिया की तो करांगे ही, पर नाल दी नाल जो बहुत सारे सवाल ने स्टूडेंट्स के, सानू कुछ अजिहियां यूनिवर्सिटीज़ भी दसियां जान जिथे रीजनेबल थोड़ा खर्चा होवे, और नाल दी नाल जो पंजाब अते हरियाणा के स्टूडेंट्स का सवाल बनया होया कि किहड़ियां ऐसियां यूनिवर्सिटीज़ ने जिथे असी अप्लाई करिए तो सानू ईजली जो है एडमिशन मिले, ईजली जो है साडी GTE भी क्लीयर होवे। सो बहुत ही खास गल्लां जो तुहाडे सवाल साढ़े तक पहुँचते हैं उन्हां दे जवाब अज दी वीडियो विच तुहाडे नाल सांझे जरूर करांगे। बहुत बहुत स्वागत है तुहाडा सारयां दा, मैं हाँ हरजोत कौर, ते अज पूरी इनफॉर्मेशन तुहाडे नाल सांझी करनगे नेविगेटर्स ओवरसीज तो वीजा एक्सपर्ट मिसेस वीना गोयल मैम साडे नाल ने। बहुत बहुत स्वागत है मैम, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। सो मैं हर वारी कहनी हाँ कि स्टूडेंट्स इन्हां वीडियोज़ नूं ध्यान नाल जरूर देखण, क्योंकि मैम का तकरीबन 26-27 साल का एक्सपीरियंस है। सो कई तरह की प्रोफाइल्स उपर काम कर चुके हैं, और डॉक्यूमेंट्स देखते ही दस देंदे ने कि स्टूडेंट का फ्यूचर कितने ब्राइट हो सकता है, की सही रस्ता है किसी स्टूडेंट के लिए। सो अज ये सवालों के भी जवाब इसलिए थोड़े तक पहुँचाने लिए असी खास तौर पर मैम नूं जो है इनवाइट किया। मैम पहला तो जरूर दसो, पंजाब हरियाणा स्टूडेंट जिहड़े कि बहुत चिंता विच अक्सर रहिंदे ने साडे कोल, उन्होंने सवाल आते हैं वो भी चिंता भरे जरूर होंगे ने, पर जो आप यूनिवर्सिटी सिलेक्शन की गल करिए पंजाब ते हरियाणा स्टूडेंट के लिए, तो कि यूनिवर्सिटीज़ से वो जो है फोकस करन, ईजीली एडमिशन मिले, ईजीली GTE क्लीयर हो। देखो जिहड़ी पंजाब हरियाणा की प्रॉब्लम चल रही है ना, मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ नाल चल रही है, और स्टूडेंट इस टाइम बहुत परेशान है। जो उन्हें CBSE बोर्ड तो किया होया तो थोड़ा मतलब बेनीफिट मिल जाता है, एंड जो उन्हें आर्ट्स नहीं रखे तो होर बेटर होता है, क्योंकि आर्ट्स वाला बच्चा होए और जो स्टेट बोर्ड तो पढ़िया हो साढ़े वास्ते बहुत प्रॉब्लम होंगी, और खाली एक या दो ऑप्शन होंगे। ओके, हूँ जो तुम दसिया कि जिदा कि यूनिवर्सिटियाँ, हाँ ये जरूर नहीं है कि सारी यूनिवर्सिटियाँ ने रस्ते बंद किए हुए, देर आर सो मैनी यूनिवर्सिटीज़ विच आर ओपन, यूनिवर्सिटी ऑफ तस्मानिया हो गया, लाट्रोप हो गया, सिडनी विच हो गई, ब्रिस्बेन च हो गई, वी डू हैव फ्यू यूनिवर्सिटीज़, कुछ यूनिवर्सिटियाँ जी पंजाब हरियाणा के बच्चे लै रही हैं और वीजे भी आ रहे। अज भी साडा वीज़ा तुम यकीन मतलब तुहानूं लगेगा थोड़ा मुश्किल है, बच्चा आर्ट्स का बच्चा है जिहदे खाली मेन तीन सब्जेक्ट है, जबकि चार सब्जेक्ट चाहिए होंगे, आइल्स ओवरऑल 6 बैंड है, एक साढ़े 5 बैंड है, कॉलेज का वीज़ा आया जी, तो वीज़ा जिहड़ा है थोड़ा जिहा प्रोफाइलिंग और उहदे उपर हो जांदा है, जब बच्चा ज आपां कहिंदे कि वीज़ा आन वाला प्रोफाइल होए तो वह एक साल तो ज़्यादा गैप ना होए, CBSE पास आउट होए और यूनिवर्सिटी एडमिशन हो, वीज़ा आने वाले होंगे। जी जी बिल्कुल। सो इतने जिमें स्टूडेंट्स हमेशा फोकस करने की कोशिश करते, जिमें तुसी कहे जिहड़ा स्टेट बोर्ड का स्टूडेंट है तो उन्होंने कई गलों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर उन्होंने प्रॉब्लम यूनिवर्सिटियाँ आ रही है, यूनिवर्सिटियाँ एक्सैप्ट कर बहुत प्रॉब्लम कर रही हैं, तो असं उन्होंने अच्छे कॉलेज जो डिप्लोमा लोगे तो वीज़ा चांसिस बहुत घट है। ठीक है, असं डिग्री प्रोग्राम लैके दें, कॉलेज अच्छे हो, जिदा बैचुलर ऑफ कम्यूनिटी हो गया, बैचुलर ऑफ सोशल सर्विस हो गया, ये आर्ट्स वाले बच्चों वास्ते ठीक होते हैं, कमर्स का बच्चा हो तो बिजनेस जाएगा, नॉन मैडिकल का बच्चा IT चला जाएगा या इंजीनियरिंग के प्रोग्राम च चला जाएगा, तो उन्होंने कोलज की ऑप्शन है, क्योंकि बैचुलर के मास्टर के वीज़ा रिजैक्शन के चांसिस घट होंगे, ये नहीं कि मतलब वीज़ा रिजैक्ट नहीं होएगा या वीज़ा आएगा ही, इट डिपेंड्स ऑन एम्बेसी, बट उन्होंने क्योंकि डिग्री प्रोग्राम है तो चांसिस काफ़ी अच्छे होंगे। मैं उन्होंने एग्जाम्पल दी है, जिदा 5.5 बैंड है एक चा वीज़ा और हरियाणा का बच्चा है। हाँ जी ठीक है बिल्कुल। सो इस एग्जाम्पल तो तुसी समझ सकते हो कि क्योंकि जिथे आप सोचते हैं कि क्योंकि मैं गल हमेशा वो करती हूँ जो स्टूडेंट्स साढ़े तक सवाल पहुँचाते हैं, एक तरीके नाल पंजाब ते हरियाणा का स्टूडेंट आस्ट्रेलिया नूं लैके अपनी उम्मीद खत्म करता नज़र आता है। सो इत्थे ही एक माहिर चंगे कंसल्टेंट की जरूरत होंदी है। सो इन्ने सालों के तजुर्बे के नाल मैम जो फाइलिंग के उपर किसी काम करते हैं, एक एक तह के उपर काम किया जाता है, तो उस तो बाद मैं दसूंगी कि चीज़ों पर सानूं ध्यान रखना पैंदा है, जे इन्हां दे फाइनेंशियल डाक्यूमेंट क्लीयर होने चाहिए, 3 months old fund होने चाहिए, इनकम टैक्स रिटर्न जी है कंबाइंड, असी कोशिश करते हैं इनकम जिन्नी अच्छी होए उन्ने वीज़ा के चांसिस अच्छे होंगे। मान लो बच्चा बैचुलर या मास्टर च जा रहा है, एक साल के फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स दिखाने हैं, लिविंग एक्सपेंसिस प्लस वो 1 year की फीस, तो वह मिला के बच्चे के कोई 30 lakh का फंड जरूरत होंगी है, तो जो 30 lakhs वो 3 months ओल्ड या वह बैंक लोन होए या उन्होंने कोई वो घर के जेडे है दादा दादी नाना नानी ब्रदर सिस्टर कोई भी स्पोंसर कर सकता है जी, वो अलावा अंकल आंट है उन्होंने असं 30-40% स्पोंसरशिप लै लें, तो ये चीज़ों का जो असं ध्यान रखते हैं, ये जी मतलब ये जोड़ा बच्चा फसद GTE ज़्यादा फसद है, बिल्कुल GTE जो क्लीयर होए, जो मैं डॉक्यूमेंट दसे इनकम टैक्स रिटर्न तो फाइनैशियल ये क्लीयर होते GTE क्लीयर हो जाते बच्चे की, और GTE क्लीयर हो गई तो
फिर वीज़ा चांसिस दे नैचुरल के कॉलेज ने अप्रूव किया है। जब भी एक तलवार लटकी होंगी है वीज़ा दी, पर फिर भी चांसेस अच्छे होंगे जी। मैम जिवें तुसी आपां आस्ट्रेलिया की गल करिए, खर्चा बहुत ज़्यादा दिखता स्टूडेंट महसूस करते हैं, तो कि कुछ लो बजट में अप्लाई करने लिए भी कुछ ऑप्शन यूनिवर्सिटीज़ की है जिते रीजनेबल फीस हो? जिदा मैं कॉलेजेस दसे उन्होंने तो फीस ही $20,000 होंगी है, तो बहुत ही 10-11 लाख साल की फीस जी हर बच्चा अफोर्ड कर सकता है, क्योंकि 6 महीने की फीस देनी आस्ट्रेलिया में। जो 6 महीने की फीस 5.5-6 लाख जा रही, हैल्थ इंश्योरेंस 1 लाख रुपए के अंदर चला जाएगा, एंड जी एम्बेसी फीस है 35-40 हज़ार, वो तो काफ़ी अफोर्डेबल 7-8 लाख बच्चे का हो जाता है जाने तक का जी। और जो आप कही कि यूनिवर्सिटिया के यूनिवर्सिटियाँ वी यू सिडनी बहुत अफोर्डेबल है, यूनिवर्सिटी ऑफ तस्मेनिया बहुत अफोर्डेबल है, तो जिदा इदा दूनीवर्सिटी है जी थोड़ी जिन्होंने कह लें कि यूनिवर्सिटी भी है बट बहुत बच्चे के बजट पर असर नहीं पैदा, उन्होंने स्टूडेंट्स जा सकते हैं जी। अदरवाइज देर आर सो मैनी कॉलेजेस जेडे कि अच्छे कॉलेजेस है जिन्हों का वीज़ा सक्सैस रेट बहुत ही अच्छा है, उन्होंने जो लो बजट करना तो बच्चा उन्होंने प्रैफर कर सकता है जी। बिल्कुल। सो स्टूडेंट्स को जरूर कहना चाहेंगे कि इन्हों गलों तो बाद भी थोड़ा अपना कोई सवाल हो नंबर डिस्प्ले इस उपर तुम कॉल जरूर कर सकते हो, टाइमली सही इन्फॉर्मेशन बहुत मुश्किल है, क्योंकि जनवरी 24 च उन्हां दा 2 साल का गैप हो जाएगा। जो पढ़ रहे हैं किसी कॉलेज एडमिशन ली हुई है प्रूफ दे सकते हैं, फिर तो उन्हां दा हो जाएगा, अदरवाइज उन्होंने जी स्टूडेंट्स की काफ़ी प्रॉब्लम आती है। इदा ही पी टी स्कोर उन्होंने अच्छा आ गया, 56 है, 57 है, बट एक 48 आ गया, ओवरऑल स्कोर रेंज बच्चे की खराब कर देता है। तो आइल्स या पी टी जी है वह भी ध्यान नाल करो तुसी, ते तुहाडा जिहड़ा जिन्ना भी डाक्यूमेंट्स हुंदे आ या जो भी है, जिदा मैं जी टी के डाक्यूमेंट्स दसे आ या आइल्स या टोफल का तुहानू दसिया कि थोड़ा जिहा ध्यान रखना, ये सारी चीज़ां क्लीयर होन, गैप ज़्यादा ना होए, गैप जब तुसी पढ़ रहे हो तो गैप का प्रूफ है, फिर तुहानू कोई प्रॉब्लम जी। बिल्कुल। पर इस अलावा भी थोड़ा कोई सवाल हो स्टूडेंट्स को फिर तो कहूँगी इस नंबर पर कॉल कर सकते हो, कमेंट सैक्शन में भी तुम अपने सवाल साढ़े न जरूर सांझे कर सकते हो। तो बहुत बहुत थैंक्स मैम कि तुम काफ़ी खास पॉइंट जो है दसे ने, खास तौर पर जो साढ़े पंजाब हरियाणा के स्टूडेंट्स की चिंतावान बनी हुई हैं उन्होंने भी तुम राइट ऑप्शन जरूर दसियाँ अज की वीडियो के जरिए। सो अगों भी असी थोड़े सारे लिए होर इनफॉर्मेटिव वीडियोज़ लैके आते रहेंगे, फिलहाल ही सानू दिओ जी इजाजत। थैंक यू सो मच बुलाने का इतने और बच्चों जरा साझा विचार कर, थैंक यू सो मच। थैंक यू।